माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं रामहरी साहू। डियर फ्रेंड्स, आज इस लेसन में हम सीखेंगे सिंग दैट और सिंग एज का प्रीमियम। लेकिन इस लेसन के और जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल के आइकन है उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेइंग दैट और सिंग एज, माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों का अर्थ एक ही है। ओके, और इन दोनों का अर्थ होता है क्योंकि और चूंकि। क्योंकि और चूंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है उन सिचुएशन के लिए सिंग दैट और सिंग एज का प्रयोग होता है। ओके, और फ्रेंड्स, इनके सिनोनिम होते हैं बिकॉज, एज और सिंस। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, तो देखिए, सेइंग दैट आई हैव नो मनी आई कैंट गो शॉपिंग, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं शॉपिंग करने नहीं जा सकता। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं शॉपिंग करने नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने कहा कि क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं शॉपिंग करने नहीं जा सकता। ये जो इसलिए जो वर्ड है यहां पे, इसलिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए के लिए कोई वर्ड यूज करने के लिए जरूरत नहीं है। यहां पे सिर्फ एक कॉमा ही काफी है। ठीक है, और इस सेंटेंस को आप चाहे तो उल्टा के भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे आई कैंट गो शॉपिंग सिंग डॉट आई हैव नो मनी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप उल्टा के आप सब सेंटेंस बनाते हो तो बीच में कॉमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। यू विल हैव टू वेट सिंग एज इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि समय लगता है। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि समय लगता है, यानी कि कोई काम करने में समय लगता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सिंग एज बीच में प्रयोग हुआ है और इस यहाँ पे कोई कोमा का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। सेइंग दैट इट्स रेनिंग वी कांट डू वर्क, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हम काम नहीं कर सकते। क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे सेइंग दैट का प्रयोग पहले हुआ है इसलिए यहाँ पे कॉमा का प्रयोग हुआ। ठीक है, और इसलिए के लिए कोई वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अजय ऑन्ट रिसीव हिज सैलरी सिंग दैट ही हैजंट वर्क, अजय को अपनी सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि अजय ने काम नहीं किया। अजय को अपनी सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि अजय ने काम नहीं किया। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में भी बीच में सिंग दैट का प्रयोग हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कोई कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। सेइंग दैट देयर इज अ क्रिकेट मैच ऑन द टीवी आई एम हियर, क्योंकि टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पर हूं। क्योंकि टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पर हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेइंग दैट का प्रयोग पहले हुआ है। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। सिंग एज यू आर आवर टीचर वी फॉलो यू, क्योंकि आप हमारे शिक्षक हैं इसलिए हम आपको मानते हैं। क्योंकि आप हमारे शिक्षक हैं इसलिए हम आपको मानते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में भी सिंग एज का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस लेसन का लास्ट पॉइंट देखते हैं। सी डजंट लाइक यू सिंग दैट यू आर एन arrogant, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है क्योंकि तुम एक घमंड हो। वह तुम्हें पसंद नहीं करती है क्योंकि तुम एक घमंड हो। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था आपका सिंग दैट और सिंग एज का प्रयोग क्योंकि और चूंकि अर्थ में। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सबसे पहले इनका प्रैक्टिस करें और जब इनकी सिचुएशन आएगी प्रयोग करें।
ओके सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, और लाइक करें और कमेंट भी करें वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपकी तरह इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी वीडियो अगर आप रोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी इस वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल के आइकन है उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।